मूवी में और घर का अंदर से ही ये स्नो फ्लेक्स गिरना देखना अच्छा लगता है, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर काफ़ी ठंड है एंड एंजॉय करेंगे बाहर जाके ऐसा सोच भी नहीं सकते। आज मैंने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में ये चीला बनाया, उसके साथ कॉफ़ी चीला और बाहर का ऐसा ठंड ठंड मौसम। और क्या चाहिए? बाय द वे, ये चीला बड़ी आसानी से बन जाता है, इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट भी कुछ नहीं है। रेड बेल पेपर है एंड येलो बेल पेपर है, और ये जो है ये कैबेज है। थोड़ा सा बाइंडिंग के लिए मैंने आटे का इस्तेमाल किया, क्योंकि मैदा मुझे नहीं पसंद होता, या तो बेसन तो यहाँ मिलता नहीं है, तो मैंने आटे का इस्तेमाल करके उसके साथ थोड़ा सूजी। और ये जो ब्लैक ब्लैक है ना, ये ब्लैक वाले, ये काले तिल है, मुझे हर खाने में तिल पसंद है। और यहाँ पे ना एक ये रेड सॉस मिल जाता है एशियन काउंटर में, तो वो वाला सॉस बड़ा अच्छा लगता है। थोड़ा मीठा है, तीखा बिल्कुल नहीं है, तीखा खा नहीं पाते तो तीखा हम लोग लाते नहीं ज़्यादा। वही मैं सोच रही हूँ, हस्बैंड ऑफिस जाने के बाद मैं पूरा बिल्कुल घर में अकेले बैठे रहती हूँ। यहाँ पे तो ऐसा है, लेकिन जब इंडिया जाऊँगी तो पूरा ही अकेला ही बैठना पड़ेगा, क्योंकि मैं और एक सूंगा। आज का जो रेसिपी मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही इजी है एंड बहुत कम इंग्रेडिएंट में बहुत जल्दी बन जाता है, एकदम सिंपल सा अच्छा वाला एक ब्रेकफास्ट एंड हेल्दी वाला, एंड बहुत देर तक पेट भरा भरा ही रहता है। एंड तो लेट्स स्टार्ट। जो पैटर्न किसी ने बनाया उसी को फॉलो नहीं करो, अपना भी कुछ दिमाग लगाया, उसका टेस्ट खराब नहीं होता, अच्छा ही होता है। घर में सब खुश है तो मुझे क्या परवाह है दूसरों के। हाँ, आप लोग भी ऐसा ट्राई कर।